हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, मिशन आदित्य L1। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है मिशन आदित्य L1 और इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। बेसिकली मैं बता दूँ, आदित्य L1 इंडिया का पहला ऐसा मिशन है जो सन की स्टडी के लिए है, और इस मिशन को जो लॉन्च कर रहा है वो लॉन्च कर रहा है इसरो, और उसके साथ उसमें यूज़ होने वाले डिफरेंट पेलोड्स या फिर डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो बनाए हैं वो अदर इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हैं। और इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च की जो डेट है वो है 2nd half of 2020, और इंडिया का पहला सोलार मिशन होगा। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, यूरोप और जापान, तीन ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने सन की स्टडी करने के लिए जो अपने मिशन है उनको लॉन्च किया है, और इंडिया विल बी द 4th one। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशंस अगर हम देखें तो इसके जो मिशन का टाइप है, सोलर ऑब्जर्वेशन, सबको पता है सोलर की ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ हो रहा है। दूसरा, ऑपरेटर इसको इसरो ही ऑपरेट कर रहा है। इसका जो मिशन का ड्यूरेशन है 5 years प्लान रहेगा। मैन्युफैक्चरर इसके इसरो, IAS, IUCAA। इसके जो लॉन्च का जो मास है वो है 1500 किलोग्राम्स। लॉन्च की डेट 2nd half of 2020, और जो लॉन्च की साइट है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, वहां से ये लॉन्च होगा। उसके अलावा इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाले हैं, इसके अंदर बेसिकली 6 इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे, एक 7th और होगा, और एक एक करके उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला VELC, विजिबल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ। इसमें बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर एक जो कोरोना होता है, कोरोना बेसिकली सन की आउटर सरफेस को कोरोना बोलते हैं, तो ये वाला जो कॉर्नोग्राफ होगा ये सन की जो आउटर लेयर होती है उसको स्टडी करने के लिए काम आएगा, और उसके लिए एक ये आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स क्रिएट करेगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर में ही, तो जिससे जो आउटर लेयर होती है वो विजिबल हो जाती है, बीच का सन ढक देते हैं और जो आउटर लेयर होती है वो विजिबल हो जाती है, फिर वहाँ से उसमें जो एमिशन आता है उसको ये एनालाइज करते हैं। उसके बाद है सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट। ये जो है एक टेलीस्कोप ही है जो यूवी रेज का इस्तेमाल करते हुए सन की अलग अलग इमेजेस क्रिएट करेगा। दूसरा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये क्या होगा, जो एस्पेक्स है ये क्या काम करेगा, जो सोलर विंड्स निकलती हैं, सोलर विंड्स बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी निकलती रहती है सन में से, उन्हें सोलर विंड्स कहते हैं, और वो बहुत पावरफुल विंड्स होती है, तो उनमें जो पार्टिकल होते हैं उनकी स्टडी करेगा एस्पेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। दूसरा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये भी सन के सतह पर होने वाली, सन की जो आउटर सरफेस होती है उसके ऊपर होने वाली जो डायनामिक चेंजेस है उनको एनालाइज करेगा। दूसरा है सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये भी जो है एनर्जी जो ये क्या करेगा, जो विंड पार्टिकल्स होते हैं आउटर सरफेस पर उसको क्रिएट करने में सन कितनी एनर्जी यूज करता है, तो बेसिकली ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर उसका एनालाइज करेगा। दूसरा, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये भी जो है एनर्जी को ही एनालाइज करेगा कि किस तरीके से एनर्जी जो है सोलार विंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो बेसिकली। और एक होगा मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर हमारा जो है सन से निकलने वाले जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उनकी स्टडी करेगा। तो बेसिकली इसके अंदर है क्या, इसकी स्टडी क्यों करी जाती है सन की, इसलिए करी जाती है क्योंकि सन जो एनर्जी, सन में जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी का चेंज होता रहता है, एनर्जी निकलती रहती है सन के अंदर से, तो वो जो सन के अंदर से एनर्जी निकलती है वो सोलार विंड्स के फॉर्म में निकलती है, सोलार विंड्स भी नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में निकलती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी पावरफुल होती है कि वो हमारी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उन तक को क्या नाम है डैमेज कर सकता है, या फिर जो हमारी स्पेस में एसेट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनको इफेक्ट कर सकता है। और कई बार अर्थ के ऊपर ग्रिड फेल के भी जो है केसेस सामने आते हैं कि ग्रिड फेलियर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई पूरे पूरे शहरों की, तो उसका भी जो रीज़न होता है वो इसीलिए होता है कि जो सोलर विंड्स होती हैं वो हमारे सैटेलाइट्स को या फिर स्पेस इंस्टॉलेशन को इफेक्ट कर देते हैं। हालांकि जो अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस सन की सोलर विंड्स को अब्जॉर्व कर लेता है और उसे अंदर नहीं आने देता है, लेकिन जो हमारे नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है वहाँ पे जो फील्ड है वो इंटेंसिटी कम होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, तो वहाँ से कई बार जो है वो लीक कर जाता है, तो ये काफ़ी एक चिंता का विषय है पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट के लिए, एक जितने भी रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए, तो इसी के लिए जो है ये मिशन तैयार किया गया है और उसी की स्टडी के लिए तैयार किया गया है। अब से पहले जो 3 मिशन गए हैं हमारे अमेरिका के, यूरोप के और जापान के, उनमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं वो इतने एडवांस नहीं है जितने अब इसरो यूज़ करके जो है एक वहाँ पर एक्सपेरिमेंट अपने करेगा।
उसके अलावा अगर हम हिस्ट्री जानते हैं तो सबसे पहले जो इसका कंसेप्ट आया था वो 2008 में आया था एक एडवाइजरी कमेटी द्वारा स्पेस रिसर्च के लिए। उसके बाद इनिशियली इसको कहा गया था कि ठीक है 400 किलोग्राम का एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होगी जिसमें कोरोनोग्राफ होगा वो स्टडी करेगा सोलर कोरोना को। उसके बाद जो है 2016-17 में इसका कुछ जो इनिशियल एक्सपेरिमेंटल बजट था वो 3 करोड़ रुपये फाइनलाइज हुआ और उसके बाद जो है जो स्कोप था इस मिशन का उसको बढ़ाया गया और कहा गया कि अब ये जो है पूरा सोलर और स्पेस का एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेगा और इसके लिए एक लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, एक लैग्रेंजियन पॉइंट होता है, टोटल 5 पॉइंट्स हैं। लैग्रेंजियन पॉइंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे सन का और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जो पुल होता है वो कट जाता है आपस में, बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर। तो उस पॉइंट पे क्या होता है जो सैटेलाइट होती है वो लंबे समय तक जो है वो काम करती रहती है विद लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल। तो इसको जो प्लेस किया जाएगा वो L1 पॉइंट पे प्लेस किया जाएगा और इसीलिए इसका नाम जो है आदित्य L1 रखा गया है। और इसके लिए जो अब टोटल कॉस्ट जो एलोकेट हो गई है वो हो गई है 378.53 करोड़। देखो ये पॉइंट्स है ना L1, L2, L3, L4, 5, यही जो है वो पॉइंट्स है जहाँ पे सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत कम एक दूसरे को आपस में काट देता है, तो इसी को हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन की, क्योंकि जो डायनेमिक नेचर है सन का मैंने बता ही दिया कि कैसे कैसे जो डायनेमिक नेचर है, जैसे जैसे वो अपनी एनर्जी चेंज करता है उस नेचर को स्टडी करना। सोलर स्टॉर्म्स वो मैंने आपको बता दिया, सोलर स्टॉर्म वही जो सोलर विंड्स के फॉर्म में आती हैं, बहुत मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही आती हैं और बहुत जो है नुकसान पहुँचा सकती हैं हमको। और उसके अलावा जो स्पेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी एक ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का। उसके अलावा चैलेंजेस जो जो हैं इसके अंदर उनको देखते हैं। चैलेंजेस की बात करते हैं तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होने वाले हैं वो बहुत अल्ट्रा सेंसिटिव है, तो उनको बनाना एक काफ़ी दिक्कत का एक चैलेंज है। दूसरा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है ही। दूसरा एक ऐसा मैग्नेटिक टेस्ट फैसिलिटी सेंटर बनाना जो एक मैग्नेटिकली क्लीन इन्वायरमेंट में हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा इन्वायरमेंट तब क्रिएट होता है जब उसके आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक मटीरियल ना हो, यहाँ तक कि एक कार भी ना हो, तो उसको बनाना भी एक चैलेंज है। उसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी इस मिशन की, तो इसको जो लॉन्च करा जाएगा, इस सैटेलाइट को जो लॉन्च किया जाएगा वो लॉन्च किया जाएगा PSLV से, ठीक है, PSLV से इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि क्या क्या सोलर जो मिशन है आदित्य L1 उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, क्या क्या उसके रीजंस हैं जो हमने उसे इनिशिएट किया। और डेफिनेटली चंद्रयान और मंगलयान के बाद ये वाला जो मिशन है ये भी बहुत सक्सेसफुल होगा इंडिया का, और इसरो एक काफ़ी जो है उभरती हुई एलाइट एजेंसी है। सो इट इज़ ऑल विद दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशंस है, फीडबैक है, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर इम्प्रूव करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट और गॉड ब्लेस यू।